हेलो दोस्तों, मैं राम उदित, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डीजी गैजेट पर। और आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज संडे टॉक्स में। दोस्तों, जब से स्मार्टफोन्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है तब से इनमें चेंजेस होते आए हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जो कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स के सारे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करती है। और आज अपन बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या फिर एंड्रॉयड वर्जन के बारे में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉइड की पूरी कहानी कि इसका मेन एम क्या था, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एंड्रॉइड वर्जन बनाने का प्लान चार लोगों, एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सियर्स और क्रिस वाइट ने मिलकर सोचा था। एंड्रॉइड का जो स्टार्टिंग प्लान था वो एक डिजिटल कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का था, और इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ले लिया था। लेकिन 5 महीने बाद उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि डिजिटल कैमराज का मार्केट उतना ज़्यादा नहीं था। उन्होंने प्लान चेंज करके एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का रख लिया, लेकिन उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिला। फिर एंडी ने उनके दोस्त से $10,000 का कर्जा लिया, और कंपनी अच्छी तरीके से काम भी करने लगी। फिर जब ये आइडिया सक्सेसफुल होने लगा तो गूगल ने एंड्रॉयड को ख़रीद लिया $50 मिलियन में, July 2005 को। और एंड्रॉयड टीम के एम्प्लॉयज़ एंडी रूबिन, रिच माइनर और क्रिस वाइट ने भी गूगल ज्वाइन कर लिया। फिर 2007 में गूगल ने एंड्रॉयड को टेस्टिंग करने के लिए लॉन्च किया, और लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन एक दिक्कत थी कि जो स्मार्टफोन्स कंपनी पहले से अपना मार्केट बना चुकी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया, वो एंड्रॉयड को अपना बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी या नहीं। फिर पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, जो था HTC ड्रीम, और जो कि 23 अप्रैल 2009 को लॉन्च हुआ था। फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सभी स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होने लगा, और एंड्रॉयड वर्जन दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। दोस्तों, एंड्रॉयड वर्जन यूजर्स को अलाउ कराता है टच स्क्रीन कमांडिंग, और सबसे पहले पोर्ट्रेट स्क्रीन भी एंड्रॉयड की वजह से आया था। यानी स्मार्टफोन्स की स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड या फिर लैंडस्केप पे करने का जो फंक्शन था वो सबसे पहले एंड्रॉयड ने ही दिया था। और एंड्रॉयड का जो मेन एम था वो एक अफोर्डेबल और एक ऐसा सिस्टम बनाने का था जो कि कस्टमाइज़ किया जा सके। दोस्तों, और जितने भी एंड्रॉयड वर्जन आते हैं उनका स्विच के नाम पर नाम रखा गया है। वैसे एंड्रॉयड 10 का कोई नाम नहीं है। तो दोस्तों, ये एंड्रॉयड के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया के 88% स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट होते हैं। दोस्तों, जितने भी एंड्रॉयड वर्जन्स के नाम होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। दोस्तों, दुनिया में एंड्रॉयड वर्जन के 2.3 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। तो दोस्तों, ये थी एंड्रॉयड की पूरी स्टोरी। तो दोस्तों, अगले संडे आपको किस बारे में वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए।